વાહ વાહ કોઈલી, આ તારી વહુ તો સાક્ષાત અન્નપૂર્ણાનો અવતાર છે. અબ મેરા મન હે કે જમ્યા પછી મુજે કોઈ ગીતા સુનાય. હા, ઘર મે ગીતા તો હોગી ના? હા માં, ઘર મે ગીતા હે. વૈસે મેરી ગોપી વહુ કો ગીતા કે સુંદર સુંદર અંશ મુંહ જબાની યાદ હે. અચ્છા, તો મેં જરૂર સુનુંગી. ગોપી વહુ સુનાયેગી ના મુજે ગીતા? જી નાની જી. માં खाना तो पहले खत्म कीजिए. पता नहीं मेरे ही नसीब में ऐसी फालतू सी सास कैसे पड़ गई जिसे अपने बहू के पक्ष में बोलना तो आता ही नहीं. और दूसरी वो कागड़ी, कागड़ी तो अपनी दोषी को प्रभावित करने के चक्कर में हमेशा अपनी गोपी बहू को उसके कामों में लगाए रखती है. और तो और उसके गुणगान भी गाती रहती है. काश काश की मम्मी को कलाकारी के साथ साथ कोई ऐसी जादू भी आती जिससे मैं कागड़ी को फुर कर देती. पता नहीं इस वक्त भी कागड़ी अपनी चील मैया को गोपी के कौन से गुण दिखा रही होगी. मैं चल के देखूं तो जरा कि क्या हो रहा है. जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इस आत्मा को मरा मानता है वो दोनों ये नहीं समझते कि आत्मा ना मारी जा सकती है और ना ही मरती है. और ये आत्मा ना किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है. शरीर के मरने के बाद भी इस आत्मा का नाश नहीं होता. वाह वाह कोयली, न जाने तूने कौन से पुण्य किए हैं कि कलयुग की आखिरी चरण में तुझे गोपी जैसी सुंदर सद्गुणी और ज्ञानी बहु मिली है. ऐसे गोपी बेटा, तूने गीता कितनी बार पढ़ी है जो तुझे जुबानी याद हो गई? नानी जी वो माँ, गोपी वहु की मामी का घर मंदिर के एकदम पास है और गोपी वहु बचपन से वहां आई गई है इसलिए इसे सब कुछ मुंह जबानी याद है. बहुत सरस गोपी बहु, मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई. गोपी बहु, अब रोज थोड़ा बहुत गीता का पाठ मुझे सुना दिया कर. जी नानी जी. अरे आओ आओ जिगर की बहु, बैठो. मंदिर तो तुम्हारे पीहर के पास ही है ना, तो तुम दोनों बहनें रोज मंदिर में जाती होगी. तो जिगर की बहू, तुझे भी भजन कीर्तन और गीता रामायण की कथाएं याद होगी. अरे माँ, राशि कहाँ मंदिर जाती होगी, इसे अपनी माँ से और भी तो काम सीखने होंगे. क्यों राशि? वैसे तुम चाहो तो माँ को कुछ सुना सकती हो. नहीं नहीं काकी जी, वो क्या है ना, शुरू से ही मुझे गोपी के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है. देखा कोयली, पोतानी बेन ने कितलो प्रेम करे छे. हाँ, ये तो मैं देख ही रही हूँ. चलो ठीक ही है. अब माँ, कल महाशिवरात्रि है, उसकी सारी तैयारियां करनी है और मैं सोचती हूँ कि महाशिवरात्रि की पूजा की सारी जिम्मेदारी गोपी वहु को दी जाए. और तू बिल्कुल चिंता मत कर, गोपी वहु सरस अच्छी रीते बद्दू संभाली लेसे. अने हाँ, किंजल जमाईराज वेवाई लोगों को निमंत्रण देना मत भूलना. ऐसे तो पहले ही देना चाहिए था निमंत्रण. हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, वो लोग तो बहुत खुश होंगे. हाँ नानी जी, मम्मी और बाकी घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब वो जानेंगे कि आपने उन्हें पूजा के लिए यहाँ बुलाया है. हाँ गोपी बहू, आगे सुनो. Thank you.
हेलो मम्मी, मम्मी क्या अभी आपने क्या नया स्टाइल शुरू किया है कि घंटों तक आपका फोन बजता रहे और फिर आप जाके फोन उठाएंगी? ना रे, मारा फुटिया करम कि तेरे पप्पा जैसा निकट्टू पति मिला। अभी देखना, वो जो पड़ोस की मिसेस देसाई है ना, उसने एक माइक्रोवेव नाम की खाना गर्म करने वाली मशीन ली है। बस उसे दिखाने के लिए मुझे घर पे बुलाया था। और वो जो है ना, मम्मी क्या अभी कौन सी बातें लेकर बैठ जाती हो? वैसे भी आप भी कमाल ही हो, सबसे पहले आग खुद लगाती हो फिर पल्ला झाड़ के अलग हो जाती हो। हाँ मम्मी, आपको याद नहीं है कल महाशिवरात्रि है? महाशिवरात्रि। मम्मी अगर मैंने कल कोई नया कारनामा नहीं किया ना, तो समझ लीजिए कि चील मैया अपना संदूक गोपी के हाथों में ही दे देगी, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का सारा काम वो खुद करके ये साबित कर देगी कि इस घर की आदर्श बहू वही है। मम्मी, हेलो मम्मी, आप चुप क्यों हो गई? मम्मी प्लीज कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? गौरा। गौरा वो क्या होता है? अरे मूर्ख, पार्वती जी का दूसरा नाम। ने लागे छे डोशी चाहेगी कि गोपी पूजा के लिए एक अच्छी गौरा देवी बनाए। बस अबे तो ये गौरा देवी ही तेरी नैया पार कर सकती है। हाँ मम्मी, मैं समझ गई, सब समझ गई। और अगर तुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए तो मैं हूँ ही। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अरे सुन सुन सुन, एक मिनट, तूने अपना गाना तो सुना दिया, अब मेरा गाना भी तो सुन। सुन, मैंने उस माइक्रोवेव के लिए जो कलाकारी सोची है। अरे छोड़ो मम्मी, माइक्रोवेव बहुत महंगे आते हैं। हाय हाय, और वो के महल में खड़ी मेरी दिकरी और ऐसी बातें बोलती है, और बोधी परिवार कब काम आएगा? नहीं मम्मी, देखिए इस बार जिगर जी इतने पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। वैसे भी पिछली बार आपकी बीमारी का बहाना बना के मैंने उन्हें रेवा दे, रेवा दे। मैं वैसे भी उस मक्खी चूस जिगर के बारे में बात नहीं कर रही। मम्मी जबान संभाल के, देखिए आप जिगर जी के लिए ऐसे नहीं। अरे वाह वाह, मारी दिकरी ने तो खराब लागी गयो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन तू खातरी रख, इस बार मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी। अरे आखिर मेरी अपनी बहू कब काम आएगी? अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण।